जिला डोडा ब्लॉक भागवा पंचायत गई ई देसा के लोगों ने विभाग आरडीडी को दोषी ठहराया है और कहा है कि आरडीडी विभाग द्वारा देसा पंचायत गई ए के पंचायत क्षेत्र में बहुत सारे कामों में हेराफेरी की गई है। पंचायत गई ई में आरडीडी विभाग द्वारा करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया गया है। जमीनी स्तर पर बहुत कम विकास कार्य किए गए हैं जिसमें स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि पंचायत में विकास कार्य नहीं के बराबर है। स्थानीय निवासी शिवचरण नथा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरडीडी विभाग ने कमीशन के रूप में लोगों से बड़ी रकम लेना बंद नहीं की है, चाहे वो पीएमएवाई, एमजी मनरेगा, एसबीएम, 14 ऑफ सी, सीएससी, सोलर लाइट से यू, यानी करोड़ों रुपए के सरकारी पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। स्थानीय लोगों ने जम्मू कश्मीर गवर्नर प्रशासन से जोरदार अपील करते हुए कहा है कि ब्लॉक भागवा में आरडीडी विभाग द्वारा किए गए विकास कार्यों की पूरी जांच की जानी चाहिए। लोगों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतर कर विभाग आरडीडी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। डोडा से हरदेव मनहास की रिपोर्ट। मैं नाथा सिंह ठाकुर, सनाप ज्ञान सिंह, गेही ए पंचायत से, वार्ड नंबर 6 से हूँ। तो हमारे यहाँ पे इस पंचायत में ओवरऑल में देसा की बात करूँ ना कि पंचायत गेही ए की, जहाँ भी ये मेन फोकस है ब्लॉक वालों का, पीएमएवाई के तहत जितने भी मकान आए हैं सभी पंचायत वालों ने एक रिट लगा के रखी है कि ये 2011 के सेंसस के मुताबिक है, जबकि यहाँ कुछ 2017 के मुताबिक भी आए, 2015 की लिस्टों के में बीच में आए, नामालूम ये कहाँ से लिस्टें बन के आ जाती हैं। और मैं ये एसडी साहब से और बीडीओ साहब से कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंटली कोई भी अगर यहाँ पे आए, जैसे आपका जीआरएस है, सेक्रेटरी है, या बीडीओ साहब भी खुद यहाँ पे अगर तशरीफ़ रखें तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी मैं देखता हूँ आज तक, जो भी मैंने देखा कि यहाँ पर लोकल नामालूम कहाँ से उठ के यहाँ पर ऑफलाइन सर्वे कर देते हैं, जब कोई पब्लिक को गुमराह करने के लिए यहाँ पे जिसको मर्जी लगे अपना मोबाइल फ़ोन लेके हर पब्लिक वाले को बेवकूफ़ बना के ये पीएमजीएसवाई के मुकान के तहत हम ये ऑफलाइन सर्वे कर रहे हैं पीएमएवाई के तहत। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये कितने डिपार्टमेंटों से लोग आते हैं, क्या हर डिपार्टमेंट, हर सिविल व्यक्ति को भी ये इन्होंने अपना पूरा ये मतलब ये, क्या बोलते हैं इसको, मैं कहता हूँ अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति जाके अपने अपने मतलब पंचायतों में, वार्डों में जाके या कहीं भी जाके वो पीएमएवाई के जो भी मकान के सर्वे हैं तो उनमें जाके ऑफलाइन या ऑनलाइन सर्वे करें। मैं ये चाहता हूँ कि एसीडी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और बीडीओ भागवत से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी कोई मान के चलो, जब भी कोई सर्वे आता है प्रॉपर सिस्टम से हो, ना कि एक ही रट लगा के दी जाए कि ये 2011 के सेंसस के मुताबिक ही। अगर मैं कहता हूँ ठीक है 2011 के सेंसस के मुताबिक ही आते हैं, सर्वे के लिस्ट में वही हैं, मगर ये मैं कहना चाहता हूँ कि क्या उस टाइम के जो बीपीएल अंतोदय हैं आज भी वो उसी कंडीशन में हैं, उनको क्यों नहीं मिला, बेवा जो हैं उनको क्यों नहीं मिला, जो बीच में लिस्टें बनती है ये कहाँ से ये गुमराह करते हैं पब्लिक को, इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं ये बजाते खुद बीडीओ साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में पंचायत को तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए तो उन्होंने खुद बजाते खुद यहाँ पर कोई विजिट नहीं की है, चाहे वो मनरेगा के काम में इंटरफेरेंस की बात हो जाए या चाहे 14FC की बात हो जाए, किसी की बात हो, लेकिन बीडीओ साहब बजाते खुद ही उन्होंने यहाँ पे खुद विजिट नहीं की है। हालांकि हम चाहते हैं कि एसीडी साहब भी यहाँ पे विजिट करें, बीडीओ भागवा भी विजिट करें यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद जो भी कोई 14FC के काम आते हैं ये चुनिंदा लोगों को क्यों मिलते हैं, ये मैं इस बात पे जानना चाहता हूँ कि चुनिंदा लोगों को क्यों मिलते हैं ये 14FC का हो गया, सीडी पंचायत का हो गया, मनरेगा का हो गया। अगर ये ऐसी बात है तो प्रॉपर सिस्टम से उन लोगों को ही लेकिन दिया जाए, ठीक है जहाँ पे लगा वो पैसा, मैं मानता हूँ कहीं पे भी वो पैसेंजर शेड बने, धर्मशालाएँ बनी, कुछ भी बना, लेकिन अगर यही एक इस्टीमेट देता है कि वहाँ पे इतनी मेजरमेंट होनी चाहिए, अगर 8x16 का है या 6x10x18 का है, तो आज की डेट में अगर उन चीज़ों को पैसेंजर शेड का हो गया, धर्मशालाओं का हो गया, किसी चीज़ का भी, या तो उसमें टीन बिल्कुल
25 mm 35 mm की लगी होगी, या तो वो खाली एंगल्स पे लगा होगा, जहाँ बीम डालना है वहाँ पे बीम नहीं डाला जाता है, जहाँ पे ये चीज़ें मटेरियल भी बिल्कुल मतलब नॉर्मल यूज़ किया जाता है। और मैं ये कहता हूँ कि उन चीज़ों की जहाँ जो चीज़ें बनी हैं हमें उससे एतराज़ नहीं है, और भी बननी चाहिए, डेवलपमेंट हमारे इलाके की हो रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो प्रॉपर जेई के मुताबिक जो नक्शा बना है जहाँ पे, उसी के मुताबिक क्यों नहीं ग्राउंड पे होता है काम? फिर हमें ये लोग क्यों गुमराह करते हैं कि नहीं जी इसकी ये लेंथ है, आपको ये है, इतनी ये चीज़ें हैं, इतनी कमीशनें जाती हैं डिपार्टमेंट के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कमीशन वर्थ मीन ऑफ कमीशन, ये कमीशन है क्या चीज़? इन चीज़ों को मैं कहना चाहता हूँ, मतलब 30% है, कभी कोई 40% बोलता है, कोई 25% बोलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये कमीशन है क्या चीज़, ये किस भला का नाम है? आज तक तो मैंने ये चीज़ें नहीं सुनी है। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी अगर डिपार्टमेंट यहाँ पे आता है, ब्लॉक का ही हो गया, प्रॉपर सर्वे किसी चीज का नहीं होता है, जब कोई बात बताने की आएगी तब बताते हैं कि नहीं जी यहाँ पे ये सर्वे हो गया था, ना मालूम कहाँ से ये होते हैं। अगर यहाँ की आम पब्लिक यहाँ पे आके कोई ग्राउंड पे सर्वे करे तो हम उसको मान्यता देते हैं कि जी यहाँ के लोकल स्टाफ ने सर्वे किया, किसी टीचर ने किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन ये एक ही रट लगा के रखी है 2011 की सेंसिस, 2011 की सेंसिस। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है क्लियर की ये 2011 की सेंसिस किस भला का नाम है। तो यही मैं रिक्वेस्ट LG साहब से करना चाहता हूँ, ये मोदी जी से करना चाहता हूँ। मोदी जी का जो स्पेशल नारा था स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत जितने भी हर घर के साथ बाथरूम होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में भी अगर हमारे देसा के अंदर देखा जाए तो सिर्फ 10% लोगों को ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये जो बाथरूम्स मिले हैं, उसके अलावा 70% लोग ऐसे हैं जो शेर आम जाते हैं, खुले मतलब जंगल में जाते हैं लेटरिंग वगैरह करने, और वहाँ से स्वच्छता कैसी होगी? मैं नहीं ये समझ पा रहा हूँ कि वहाँ से स्वच्छता होगी। 70% लोगों के पास अभी भी यहाँ देसा के अंदर बाथरूम नहीं है। रही बात, तो हाँ मेरा शिव चरण गेई पंचायत गेई ये का रहने वाला, और आगे क्या बोलूँगा क्या समस्याएं चल रही है? बोले पंचायत के मतलब अब तीसरा साल चल रहा है पंचायत का। तो अगर हमारे LG साहब ऊपर से या हमारे मोदी साहब कोई टीम ऐसी भेजे कि जो यहाँ ग्राउंड पर देखे आकर, यहाँ पर पहले आए वो कई टीम है बैक टू विलेज, वो भी आए तो उन्होंने भी जो कुछ देखा तो उन्होंने सही रिपोर्ट नहीं दी। हाँ, नहीं तो ग्राउंड पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा है, यहाँ जो भी काम है तो खाली कमीशन मांगते हैं, काम कुछ नहीं बन रहा है। ब्लॉक वाले ठीक 30% है जो बांधा, 30% मांगते हैं। तो यहाँ जियोटेक जिन लोगों के मकान है उनसे पैसे लेते हैं, पहले तो पहले किस्त के लिए वो पैसे लेते हैं, फिर किस्त आएगी, फिर आएगी किस्त। ठीक ठीक।